हेलो जय हिंद साथियों, अग्निवीर मस्ती ब्लॉक में जय हिंद। अग्निवीर मस्ती ब्लॉक में हम अग्निवीर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं, जो चीन से संबंधित न्यूज है। चीनी सेना ने भारत के साथ सीमा पर क्या रणनीति बना रही है, इसके बारे में राजनाथ सिंह ने कहा है। चीनी आक्रमणता से निपटने की तैयारी, रक्षा मंत्री ने सेना में बड़े बदलाव की को दी मंजूरी। सरकार ने चीन सीमा की जिम्मेदारी वाले सेना कमांडर को पैसे के मामले में ज़्यादा शक्ति देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए वार्षिक बजट को मंजूरी दी है, जिससे सैनिकों के लिए उपकरणों को जल्द से ज़्यादा दिया जाएगा। चीन की बड़ी आक्रमणता को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना को लेकर एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है। सरकार ने चीन सीमा पर तैनात सेना कमांडरों को वित्तीय मामलों में ज़्यादा शक्ति देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में के नए सालाना बजट को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में चीन के साथ सीमा की निगरानी करने वाली सेंट्रल कमांड को बीते कुछ सालों में पीएलए की गतिविधियां बढ़ी हैं। इस कमांड के बजट में 4 गुना हिफाजा किया गया है। सेंट्रल कमांड अब जरूरी चीज़ों पर 200 करोड़ तक का उपयोग कर सकते हैं। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की देखभाल करने वाली पूर्वी कमांड की स्पेशल फाइनेंस पावर को 2 गुना करके 400 करोड़ कर दिया है। दोस्तों, जो भी पहले बजट था उसकी बजट में 2 गुना टारगेट कर दिया गया है। वही उत्तरी कमान जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है और 1962 के बाद से लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की आक्रमणता का सामना कर रही है, कि विशेष वित्तीय शक्तियों को भी 400 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। यह सभी कमांड में सबसे अधिक है। दोस्तों, चीनी सैनिक से निपटने के लिए हमको अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अधिक से अधिक बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों की ज़रूरत है, और हमारे जो सैनिक हैं उसको कुशल प्रशिक्षण के साथ ट्रेंड करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमारे जो देश की सैनिक है वो काफ़ी एक्टिव रहती है और काफ़ी चौकन्नी रहती है, जो चाइना